दोस्तों राधे राधे। कान्हा की गोपी का आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मुझे अच्छे से कमेंट करने के लिए, और आप सबके लिए दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज मैं ये शेयर करने जा रही हूँ वीडियो में। एक तो पहले मैं गोपी बन गई हूँ कान्हा के लिए, क्योंकि अब इसके बाद कान्हा के बाद अब पहले फेशियल वेशल थ्रेडिंग अपने जो दैनिक कार्य हैं उनकी वीडियो शेयर करूँगी। उससे पहले मैं कान्हा को शुक्रिया, कान्हा की गोपी बनकर कान्हा को नमस्कार और आप सबको नमस्कार। तो दोस्तों मैं ये कह रही हूँ कि कान्हा के सारे काम उल्टे उल्टे क्यों होते हैं। जैसे खीस बहुत पसंद है, खीस का मीनिंग क्या है असली में सही वो मैं बताऊंगी। और जैसे हमारी मतलब इस दुनिया में मोहर बनाते हैं, उल्टी बनाते हैं, और जब हम उसे छापते हैं हमारे नाम की मोहर होती है, और जब हम उसको सिग्नेचर करके उसका मोहर लगाते हैं तो सीधी हो जाती है। ऐसे हमारे परमेश्वर हमारे माथे पर मोहर उल्टी लगा देते हैं। जैसे कि एक गलती हो गई सुदामा जी से तो 6 श्री कर दिया, तो उनके घर में कितना दरिद्रता आ गई। और जब उन्होंने वो ही माथा जाकर जैसे वो मोहर अपने कृष्ण की द्वारका में जाकर टेक दिया माथा चौखट पर, तो वो सीधी हो गई और बिल्कुल द्वारका जैसी नगरी बन गई, सुदामा नगरी बन गई। तो ऐसी हमारे मोहर पे भी उल्टी मोहर, माथे पर उल्टी मोहर लगी हुई है। तो हम अपने साधु महात्माओं को, अपने गुरुओं को अपने मंदिर में जाकर माथा नहीं टेकेंगे, अच्छी अच्छी बातें नहीं करेंगे, हम कृष्ण की गोपी नहीं बनेंगे, तो ये हमारी मोहर उल्टी ही रहेगी। अगर हमें सीधी करनी है तो हमें चौखट पर माथा टेकना ही पड़ेगा। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ ब्रह्म दम में होती है पूजा। जब ज़्यादा काम होता है, बहुत रिश्तेदार आ जाते हैं, तो 4 बजे से उठ के ही अपना काम करना शुरू, काम भी पूजा है और अपना सुमरन गोविंद का, बस यही तो पूजा है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो। तो दोस्तों ये खीस, एक तो ये कान्हा का सबसे प्यारा शब्द हो गया खीस, दूसरा दया, दया दया का क्या मतलब है, खीस का क्या मतलब है, और दयालु का क्या मतलब है, दयालु का क्या मतलब है। और जो हमारे ये थे वाल्मीकि जी, उन्होंने कहा चोरी डकैती करते थे, उनको सुधारने के लिए गुरुजी ने मंत्र दिया कि राम राम जपो। उन्होंने कहा मैं नहीं जप सकता राम राम, तो बोले मरा मरा जपो, तो मरा मरा जपो, सब कुछ उल्टा ही उल्टा। हमारा धरती पर जो पेड़ होता है उसकी जड़ नीचे होती है, फल फूल शाखाएं ऊपर होती है, कृष्ण के पेड़ की जड़ ऊपर और फल फूल नीचे, शाखाएं नीचे। ये सब उल्टे के कारण मैं आप शेयर करने जा रही हूँ वीडियो। तो एक गोपी ने कान्हा से कहा ब्रज बोली में, हेरे लल्ला ये बता तू कि तू सभी गोपियों को तो जो मतलब सखी सखी कहता रहता है और बुढ़ियों को खीस खीस कहता रहता है, मुझको भी खीस कहता है, इसका क्या कारण है खीस खीस कहने का। गोपी कहती है कन्हैया कि ए लाला एक बात तो बता तू कि सबन ने तो तू सखी सखी कहते है और हम बुढ़ी ने तू खीस खीस कहते है, तो ये क्यों कहते है, या को काम मतलब है बता हमें। तो कान्हा बोले कि एक बात सखी बता, जब गैया मैया के बछड़ा होता है तो
जब वो गैया मैया का बछड़ा होता है, जो उसका पहला पहला दूध गैया के बछड़े को पिलाते हैं और फिर उस दूध को उबालते हैं, वो दूध फट जाता है माखन की तरह, उसका पानी गोल्डन गोल्डन हो जाता है, ऊपर फटा फटा दूध, और उसे उस खीस को सभी एक मटके में करके एक एक चमचा चन्ना मिर्च की तरह घर घर में गाँव में बांटते हैं सब। वो प्रसाद होता है, वो अमृत होता है, खीस जो होता है अमृत होता है, प्रसाद होता है, और सब बच्चों को पिलाते हैं, बछड़े को भी पेट भर के पिलाते हैं, घर के बच्चों को भी पिलाते हैं, पूरे गांव को पिलाते हैं उस खीस को। तो कितना अमृत होता है वो खीस। तो जो सखी हैं वो तो सखी हैं, लेकिन तू तो अमृत है, तू तो अमृत है, इसलिए मैं तुझे खीस कहता हूँ। दूसरा खीस का मतलब क्या है कहना, खीस का उल्टा कर दो, खी स, तो खी स, सखी, तो सखी हो गया। लेकिन कान्हा को तो अपनी मजेदार कहानियां अपनी प्यारियों को सुनानी है ना, कि उनको कैसे मोहित करें, कैसे उन पे लाड़ लड़ाएं अपनी गोपियों को, तो कुछ उल्टा करके खीस खीस, क्योंकि उनका मतलब ही यही होता है खीस का मतलब सखी। सखी कहते हैं गोपियों को, कान्हा सखी सुन, सखी चल झूला झूलते हैं, सखी हमें माखन खिला दो। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि सहेली, दोस्त भी कह सकते हैं, लेकिन सखी कहते हैं, खीस नया सब। ऐसी ब्रह्मा जी ने एक बार कहा, जब उत्पत्ति की थी जीव की, तो देवता भी बनाए उन्होंने और राक्षस भी बनाए, दानव भी बनाए और मनुष्य भी बनाए। तो उन्होंने परीक्षा ली, सबको बुलाया, देवता भी बुलाए, दानव भी बुलाए और मनुष्य भी बुलाए, और सबको एक शब्द दे दिया, द, सबको एक शब्द दे दिया, द, अब इसका मतलब बताओ, सब व्याख्या करो इसका, द शब्द का क्या मतलब है। तो उन्होंने देवताओं से पूछा सबसे पहले कि आप बताओ द क्या क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा राक्षस देवताओं ने कि दया करो, द का मतलब है दया करो। अब देवता जैसे है, उन्होंने उसका मीनिंग वो ही निकाला। अब बोला, बोले ब्रह्मा जी कि अब मानवों से पूछा, इंसानों से, कि तुम बताओ कि द से तुम क्या मीनिंग निकालोगे, क्या काम करोगे। तो इंसानों ने कहा दान करो, इंसान तो विवेकी है ना, उनको तो विवेक दिया है, तो उन्होंने कहा दान करो, कि हम दान करेंगे। अब दान करना, दया करना और धर्म करना, ये कितना अच्छा है काम, इसी से तो उद्धार हो जाता है। गृहस्थी में और क्या चाहिए, जितना हम खा रहे हैं उतने में से थोड़ा सा किसी को दे दें, उसका भी पेट भर जाए, हमारा भी पेट भर जाए, उसके लिए भी, अपने लिए चाहे एक बार को दुख मांग लें, उसके लिए खुशी मांग लें, तो इसी से उसका ज़्यादा पेट भरेगा और हमारा बहुत ज़्यादा पेट भरेगा। अब राक्षसों का नंबर आया दोस्तों, राक्षसों से पूछा दानवों से कि तुम बताओ द का क्या मतलब। तो दानवों ने कहा दंड दो, हम दंड देंगे सबको, इंसानों को भी और इनको देवताओं को भी। अब एक ही द शब्द से इतने मीनिंग निकाल लिए, दानवों ने अलग निकाला, राक्षस मतलब ने अलग निकाला, देवताओं ने अलग निकाला, इंसानों ने अलग निकाला। तो ऐसे ही इनके कान्हा के मीनिंग है, और खीस का मतलब सखी कह दिया। अब दया, दया शब्द कहते हैं दया करो, हम कहेंगे हे गोविंद दया करो, दया करो, गोविंद कहते हैं, मतलब जब हम दया करो दया करेंगे, तो वो कहते हैं याद करो याद करो। तो हर कीर्तन में क्या कहते हैं हमें, हम तो कहते हैं दया करो दया करो, अरे ये दया तो करने की कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम कहते हैं हे कृपालु, हे दयालु, हे करुणा निधान, हमें दया करो, दया करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब हम उसे याद करेंगे। जब हम बार बार उसे याद करेंगे, तो याद का उल्टा दया हो जाएगा, तो वो हमें दया देगा ही देगा, दया हमारे ऊपर करेगा ही करेगा। दया का मतलब ही, दया हम ना करें, दया वो करेगा, लेकिन जब करेगा, जब हम उसे याद करेंगे। दयालु, दयालु का मतलब दया दो, है ना, तो वो कहते याद करो तुम दयालु। मरा मरा राम 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 राम, ऐसे हम राधे 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 बोलेंगे तो एक बार को इतना नहीं बोल पाएंगे, जब हम बोलेंगे ना धीरा 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 धीरा, एकदम राधे राधे, इतना बड़ा मंत्र उच्चारण हो जाता है। तो दोस्तों खीस का मतलब जान गए होंगे आप, कि खीस कितना जरूरी होता है, खीस का मतलब सखी और सखी का मतलब खीस, और खीस कितना प्यारा होता है, कितना अमृत होता है, कि जब हम लोगों के ही बच्चे होते हैं तो इंडिया में खासकर कहते हैं पीला पीला दूध, अमृत वाला दूध अपने बच्चे को जरूर पिलाना। दूसरी
अमेरिका इंग्लैंड की नहीं कहती, वहाँ नहीं पिलाते, वहाँ गंदा मानते हैं कि रुका हुआ दूध है, बहुत पुराना दूध है, इससे बच्चा बीमार हो जाएगा। लेकिन इंडिया में तो पीला पीला दूध, और मेरा बच्चा तो कहता था, मैं कहती दूध पीले जब बड़ा हो गया था, दूध उसको बॉर्नविटा डाल के लाती थी, दूध पीले, नहीं मम्मी मैंने पीला पीला दूध बहुत पी लिया, मैंने अमृत पी लिया, छोटा सा ही उसमें तेरा ज्ञान था, उसका नाम अर्जुन है, कि वो कहते मैंने अमृत पी लिया माँ, मैंने पीला पीला दूध पी लिया, मैं जब अच्छा यंग उमेर शेर हूँ, मैंने पीला पीला दूध पिया है, अमृत पिया है। तो पीले पीले दूध को क्या कहते हैं, खीस। तो कृष्ण ने उस गोपी को समझाया कि हे गोपी तू बुढ़ी, अपने आप को बुढ़ी मत समझ, तू मेरे लिए अमृत है, तू मेरे लिए खीस है, मैं तुझे खीस इसलिए कहता हूँ। जो छोटी छोटी गोपियाँ उनको मैं सखी कहता हूँ, सखियाँ। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो अच्छी लगे गोपी की, और इसके बाद में फेशियल ब्लीच थ्रेडिंग की डालकर फिर हम कृष्ण की कहानियों में लग जाएंगे। अपना उद्धार करना है और आपको सुना के आपको भी अपने संग लगाना है। राधे राधे।